दोस्तों कहा जाता है कि आज के दौर में किसी भी देश की 50% इकोनॉमी उसके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर टिकी है। ऐसे में आज भारत समेत दुनिया के सभी बड़े देश अपने शहरों में रोड ट्रांसपोर्टेशन सुविधाओं को बेहतर बनाने में लगे हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम भारत के कुछ 10 ऐसे शहरों के बारे में जानेंगे जहाँ पे आपको चौड़ी सड़कों के साथ साथ एक वेल मेंटेन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखने को मिलेंगी। तो इस लिस्ट में नंबर 10 पे है आपका बेंगलुरु सिटी, कर्नाटका। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले इस शहर की टोटल रोड नेटवर्क इंडिया मोबिलिटी फाइनल रिपोर्ट के अनुसार 10,200 किलोमीटर की है, जिसमें 2 लेन से लेकर 10 लेन तक की सड़कें हैं। वहीं शहर की भारी ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए शहर के बाहरी हिस्से में एक आउटर रिंग रोड भी मौजूद है। उसके बावजूद भी यहां की सड़कों पर आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिलेंगी। नंबर 9, नवी मुंबई, महाराष्ट्र। इसे एरिया वाइज दुनिया का सबसे बड़ा प्लैंड सिटी माना जाता है, जो कि मुंबई की बढ़ती आबादी और वहां की जरूरतों को पूरा करने के लिए बसाया गया था। वहीं शहर में आपको 4 लेन से लेकर 8 लेन तक की एकदम वेल मेंटेन्ड सड़कें देखने को मिलेंगी तथा यहां की सड़कें ग्रीनरी से भरी हुई हैं। नंबर 8, अहमदाबाद सिटी, गुजरात। गुजरात की शान माने जाने वाला ये शहर अपने बेहतरीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी जाना जाता है। इस शहर की टोटल रोड नेटवर्क 2,399 किलोमीटर की है, जिसमें 4 लेन से लेकर 8 लेन तक की सड़कें हैं। वहीं इस शहर की सड़कों पे आपके लिए BRTS की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। नंबर 7, चंडीगढ़ सिटी, यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें भारत में एक वेल मेंटेन्ड सिटी के बारे में, तो चंडीगढ़ का नाम हमारे जहन में सबसे पहले आता है, क्योंकि जितना खूबसूरत ये शहर है उतना ही खूबसूरत यहाँ की सड़कें हैं। यहाँ पर भी आपको 4 लेन से लेकर 8 लेन तक की नीट एंड क्लीन सड़कें देखने को मिलेंगी। नंबर 6, नया रायपुर, छत्तीसगढ़। ये दुनिया का पहला एक इंटीग्रेटेड सिटी है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य की नई कैपिटल के तौर पे जाना जाता है। इस शहर को बनाते वक्त यहाँ की ग्रीनरी और यहाँ के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया गया था। साथ ही ये शहर यात्रियों को BRTS की सुविधाएं भी प्रदान करता है, जहां पर आपको 4 लेन से लेकर मैक्सिमम 8 लेन तक की ट्रैफिक फ्री स्मूथ सड़कें देखने को मिलेंगी। नंबर 5, चेन्नई सिटी, तमिलनाडु। ये भारत के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल शहरों में से एक है, जो कि दक्षिणी भारत का सांस्कृतिक केंद्र भी माना जाता है। एंड अगर हम बात करें यहाँ के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो चेन्नई की टोटल रोड नेटवर्क 7,080 किलोमीटर में फैली हुई है, जिनमें 4 लेन से लेकर 10 लेन तक की सड़कें हैं। वहीं ये शहर इंडिया और एशिया के कई बड़े रोड इंटरचेंज से भी कनेक्टेड है। नंबर 4, गुरुग्राम सिटी, हरियाणा। ये शहर वैसे तो दिल्ली NCR का हिस्सा है, लेकिन आधिकारिक तौर पे और प्रशासनिक तौर पे ये हरियाणा राज्य में आता है। वहीं दिल्ली के काफ़ी नज़दीक होने के कारण फ्यूचर में ये देश के कई बड़े एक्सप्रेसवे से जुड़ा होगा, जिनमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे और सोना गुरुग्राम एक्सप्रेसवे शामिल हैं। एंड अभी वर्तमान में इस शहर में आपको 4 लेन से लेकर मैक्सिमम 16 लेन तक की हाई स्पीड सड़कें देखने को मिलेंगी। नंबर 3, हैदराबाद सिटी, तेलंगाना। ये शहर साउथ इंडिया में टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का एक मेजर सेंटर के तौर पे जाना जाता है,
तथा ये शहर अपने बेहतरीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है। इस शहर के चारों ओर एक 158 किलोमीटर लंबी 8 लेन्स की आउटर रिंग रोड मौजूद है, जो कि पूरे हैदराबाद सिटी को बाहरी ट्रैफिक से काफी हद तक निजात दिलाता है। वहीं इस शहर का टोटल रोड नेटवर्क 9000 किलोमीटर की है, जिसमें 4 लेन से लेकर 14 लेन्स तक की सड़कें शामिल हैं। नंबर 2, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक प्लैंड सिटी है, जहां पर आपको चौड़ी सड़कों के साथ साथ ऊंची इमारतें और भरपूर मात्रा में ग्रीनरी देखने को मिलेंगी। वहीं यहां का टोटल रोड नेटवर्क 3200 किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें 4 लेन से लेकर 14 लेन तक की वेल मेंटेन्ड सड़कें आपको देखने को मिलेंगी। नंबर 1, न्यू दिल्ली, कैपिटल ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें देश के सबसे बेहतरीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो इस लिस्ट में दिल्ली की सड़कों का कोई जवाब नहीं। दिल्ली का टोटल रोड नेटवर्क 28,500 किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि बांग्लादेश के टोटल रोड नेटवर्क से भी अधिक है, तथा इस शहर में आपको 4 लेन से लेकर 16 लेन तक की वर्ल्ड क्लास सड़कें देखने को मिलेंगी।